बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ फूड। आवर टुडेज टॉपिक इज़ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से मुराद ऐसी खुराक जो कि हमारे लिए मुफीद है या सेहत बख्श है। वी गेट इनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट, कि हम तवनाई और न्यूट्रिएंट्स भी तवनाई या ताकत को ही कहते हैं लेते हैं खुराक से जो हम खाते हैं। द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड आवर डाइट, जो खुराक हम खाते हैं उसे हम अपनी डाइट या खाना कहते हैं। आवर डाइट फूड एंड ड्रिंक इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द हेल्दी ग्रोथ, के एक सेहत बख्श बढ़ाओ में या बढ़ने में बहुत अहम फैक्टर या अंसर हैं कौन कौन से, कि जो हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, जो हम ड्रिंक या पीते हैं, पानी, दूध या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये हमारी सेहतमंद ग्रोथ या बढ़ाओ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ग्रो, हमें मुख्तलिफ किस्म की खुराक की ज़रूरत है बढ़ने के लिए एंड कीप हेल्दी और सेहतमंद रहने के लिए। अ बैलेंस्ड डाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट्स, कि एक मुतवाजन ग़िज़ा मुश्तमिल है मुख्तलिफ किस्म की खुराक पर और बिल्कुल उसकी राइट अमाउंट या सही मिकदार पर। फूड ग्रुप फॉर अ हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल, एक बहुत चुस्त सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, हमें ज़रूरत है मुख्तलिफ किस्म की खुराक की। फूड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, खुराक को या खानों को, चीज़ों, खाने वाली चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रेन्स एंड सीरियल्स, ग्रेन गंदुम, सीरियल और गंदम से दालें वगैरह, ब्रेड, डबल रोटी, राइस, चावल, सीरियल, दालें एंड पास्ता फिल यू अप, और पास्ता वगैरह आपको फिल यू अप मतलब आप ये खाते हैं, दे गिव यू एनर्जी, ये आपको ताकत देता है। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे कीप यू हेल्दी, कि मुख्तलिफ किस्म के जो फल हैं और सब्जियां हैं ये आपको सेहतमंद रखती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, मिल्क, कर्ड, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें आती हैं जो कि दूध से बनी होती हैं, जैसे कि चीज़ है, पनीर, दूध, दही, मक्खन वगैरह, मीट, फिश, बीन्स, एग्स एंड लेंटिल्स हेल्प यू टू ग्रो। इसी तरह से गोश्त है, मछलियाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म के बीन्स हैं और अंडे वगैरह हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपको बढ़ने में मदद देते हैं। द फॉलोइंग फूड प्लेट शोज़ द टाइप ऑफ फूड टू ईट मोर और लेस ऑफ फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, कि यहाँ पे एक जो फूड प्लेट है इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनी हुई हैं और उनकी क्वांटिटी जो है वो हमें शो करती है कि ये कितनी मिकदार में हमें कैसे खानी चाहिए ताकि हम सेहतमंद रह सकें। ईट मोर ग्रेन्स एंड सीरियल्स, कि हमें ज़्यादा जो है वो गंदम वगैरह और दालें खानी चाहिए। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमें बहुत ज़्यादा सब्जियां और फल खाने चाहिए। मीट, मीट का पोर्शन है। इसी तरह से ईट लेस ऑयल एंड फैट, हमें चिकनाई वाली चीज़ें और ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स का ये कॉर्नर है, तो इससे हमें ये पता चला कि सबसे कम जो हमें चीज़ें खाने चाहिए वो क्या हैं, वो मीठी चीज़ें हैं और ऑयली चीज़ें हैं जो कि हमें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। इफ़ यू ईट टू मच ऑफ द रॉन्ग फूड्स यू मे बिकम ओवरवेट, कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी खुराक खाते हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है तो आप ओवरवेट हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं। डू नॉट ईट फूड विद टू मच शुगर,
और ऐसा खाना ना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर या चीनी है। क्विक रिव्यू में देखें, कंप्लीट द चार्ट अबव योर फेवरेट लंच। व्हाट इज़ योर फेवरेट लंच? बिरयानी। इट हैज़ नन, सम, अलॉट। इसको हमने करना है फिल। तो बिरयानी मैंने कहा है तो इसमें जो शुगर है वो नहीं है, साल्ट इसमें है, सम ग्रेन्स अलॉट। फ्रूट्स में हमें क्या है कि नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, डेरी यस, मीट्स यस। इज़ योर लंच हेल्दी और अनहेल्दी? इट्स अ हेल्दी लंच। इफ़ वी ईट हेल्दी फूड बट डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी वी मे स्टिल बिकम इल। कि अगर हम सेहतमंद खाना तो खा रहे हैं लेकिन हम अपने जिस्म का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो फिर भी हम बीमार रह सकते हैं। रिमेंबर, याद रखें, टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, बाकायदगी से अपने हाथों को धोना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू टच समथिंग डर्टी। कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को धोएं जब भी आप किसी गंदी चीज़ को छू लें, और आफ्टर विजिटिंग पब्लिक प्लेसेस और कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, पब्लिक प्लेस है, वहाँ से आने के बाद अपने हाथों को धोएं। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट फूड। खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोएं। वॉशिंग योर हैंड्स इज़ द बेस्ट वे टू स्टॉप जर्म्स फ्राम स्प्रेडिंग। कि हाथों को धोना एक बहुत उमदा तरीका है रोकने का जरासीमों को फैलने से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दांतों को ब्रश करें दिन में दो बार। व्हेन यू ईट, जब आप खाएं, सम टाइम फूड गेट स्ट्रक बिटवीन योर टीथ। अक्सर वक़्त ये होता है कि जो खाना है वो आपके दांतों में फंस जाता है। इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते, द जर्म्स कैन ग्रो, जो जरासीम हैं वो बढ़ सकते हैं एंड काज टूथ डिके, और आपके दांतों की जो है वो तबाही का सबब बन सकते हैं। रेगुलरली ब्रश योर टीथ टू कीप देम क्लीन। बाकायदगी से ब्रश करें अपने दांतों को ताकि आप सेहतमंद रह सकें। सम ऑफ द गुड हैबिट्स टू कीप योर बॉडी हेल्दी आर गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड इनफ रेस्ट। और कुछ और अच्छी जो आदत हैं जिससे आप अपने जिस्म को सेहतमंद रख सकते हैं, उनमें बाकायदगी से वर्जिश करना और जो है वो इनफ रेस्ट, मतलब जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है रेस्ट या आराम का, उतना आराम लेना। रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी से वर्जिश करना, एक्सरसाइज एंड द राइट फूड हेल्प यू लिव लॉन्गर। कि वर्जिश करना और सही मकदार में खाना जो है वो आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़िंदा रखता है। एक्सरसाइज हेल्प्स टू मेक योर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्गर। कि जो एक्सरसाइज है, जो वर्जिश है, वो मदद करती है आपकी हड्डियों को और आपके मसल्स को या पट्ठों को मजबूत करने में। यू डू नॉट नीड लॉट्स ऑफ टाइम आर इक्विपमेंट टू डू एक्सरसाइज। आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा वक्त की या आलात की या ऐसी चीज़ों की जिस पर आप वर्जिश करें या जिनसे आप वर्जिश करें। थिंग्स डेट यू डू एवरी डे कैन हेल्प यू टू स्टे हेल्दी। के चीज़ें जो कि आपको हर रोज़ रख सकती हैं सेहतमंद, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर वॉकिंग ऑन द मार्केट आर टू स्कूल, चलते हुए मार्केट और स्कूल की तरफ। मोस्ट पीपल कैन प्रैक्टिस डूइंग एक्सरसाइज इन देयर डेली लाइफ। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी मशक करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एक्सरसाइजिंग। और यहाँ पे देखें मैंने कौन सी पिक्चर बनाई है एक्सरसाइज करते हुए।